सर कांग्रेस ने सिर्फ आपका सिर्फ वोट के लिए सिर्फ आपका यूज किया है, अभी तक 70 सालों में सिर्फ आपका वोट बैंक करके देखता ही है, तो बीजेपी की तरफ आप कैसे देखते हो? देखिए सर, मेरा एक कहना यह है, हम तमाम मुसलमानों का, अक्सर ज्यादा मुसलमानों के इस गुलबर्गा में, मेरा नाम मंजूर अहमद है, हम अफजलपुर तालुका से है। यहाँ पर हम 70 साल से देखते आए हैं कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को यूज किया है, आज तक कुछ भी मुसलमानों को काट कुछ भी फायदा नहीं किया। नहीं नहीं बढ़ने का साहब, हम अगर यूपी के हालत देखेंगे तो आज 100 रुपए के लिए हमारे लोग यूपी छोड़कर गुलबर्गा आ रहे हैं सर, वो हालात करके रखे हैं ये लोग हमारे को, इसलिए हम जब से आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है यहाँ पर, हम देख रहे हैं हमारे देश में आज तक यहाँ पर 5 साल का जो उन्होंने किया है, कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ सर हमारे देश में। कांग्रेस की सरकार अगर रहती तो 3 महीने में एक बम ब्लास्ट होता था बम्बई में, उसमें अगर कोई जेल में जाता तो वो सिर्फ मुसलमान जाता था, और बदनाम में सिर्फ मुसलमान को करते थे सर। आप लोग उम्मीद यादव को कितना वोट से जीत के लाएंगे सर? यहाँ से उमेश यादव जो 2 लाख वोट से जीत के आए, उसमें कुछ भी शक नहीं है, क्योंकि हमारे सब मुस्लिम भाई यहाँ पर गुलबर्गा में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग क्या है, खमरुल इस्लाम साहब को बहुत से नुकसान पहुंचाया है हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, क्योंकि एक सीनियर लीडर हमारे काम करते हैं, उनको इतने बेइज्जती से उन्होंने निकाला, उनके हालत से बेहालत कर दी, वही टेंशन में हमारे खमरुल इस्लाम इंतकाल हो गए। कुछ लोग बोलते हैं जातिवादी बीजेपी है। नहीं नहीं सर, हम देख रहे हैं, हम भी मुस्लिम हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, हम अफजलपुर है सर, हमारा अफजलपुर तालुका इतना सेकुलरिज्म है, हिंदू मुस्लिम इतने भाई भाई हैं वहाँ पर, उतने अच्छे हैं, हम गुलबर्गा जिले में इतने अच्छे हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और हमारे अफजलपुर तालुके का डोमिनेंट लीडर श्री मालिक है या गुत्तेदार साहब है, अब उन्होंने ज्यादा दिल पे लेके काम कर रहे हैं, तो इस बार खड़गे साहब का हारना जरूरी है। उम्मीदवारों के बारे में जरा बताइए, जब आपके लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, और आपके बारे में उनके बारे में उमेश यादव के बारे में? उमेश यादव साहब के बारे में तो हम ज्यादा जानते नहीं है, किसी भी हालत में उमेश यादव साहब को हम जिताना चाहते हैं एकदम से। जी उमेश यादव जी बहुत अच्छे वर्कर है, उन्होंने डॉक्टर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में डॉक्टर रहते हुए उन्होंने अपना जॉब छोड़कर एक पॉलिटिक्स में पब्लिक की सेवा करने के लिए आए हैं, और ऐसा इंसान कभी नहीं मिलता। ये जो खड़गे साहब हैं, आज तक खाली हम मुसलमानों को और तमाम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को कहा खाली यूज किया है इन्होंने, कुछ भी काम नहीं किया, तो अगर पूछने गएंगे तो वो भी खाली वो क्या बोलते हैं उसको, एक तकब्बुर है, घमंड से जवाब देते हैं उन्होंने, और उनके घर में जब भी हम लोग जाके देखते हैं सिर्फ एक कुर्सी रहती है, वो कुर्सी पे सिर्फ खड़गे साहब बैठे रहते हैं, जितने भी हमारे आलिम लोग, हमारे मौलाना लोग, हमारे मुत्ते लोग जब भी उनके पास जाते तो सब लोग ठहर के बात करना पड़ता है, खड़गे साहब कुर्सी पे बैठे रहते हैं, साहब तुम हमारे कौन की बेइज्जती के हो, तुम हम तुमको वोट नहीं डालने वाले, हमारा चैलेंज है आपसे, हम वोट नहीं डालने वाले।